अस्सलाम वालेकुम। आज आयशा के लजीज़ पकवान में हम आपके लिए अलग किस्म का खोरमा लेके आए हैं, जिसका नाम है शाहजहाँ खोरमा। ये बहुत ही लज्जेदार और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमने हाफ़ कप ऑयल लिए है, इसी में हमने बिरिश्ता तल लिए थे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें साबुत गर्म मसाले डालेंगे। 3 तेज़पत्ता लिए हैं, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे और हमारे गैस की फ्लेम हमें फास्ट ही रखना है। देखिए अभी हमारा साबुत मसाला भून चुका है, अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं, इसे भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। देखिए अब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है। अब इसमें हम दही डालेंगे, ये हमने 1 कप दही लिए हैं, इसे हमने अच्छे से फेंट लिए थे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब इसमें हम मसाला पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून हमने मिर्ची पाउडर लिया है, 2 टीस्पून हमने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी इसमें डाल देंगे। ये 1/2 किलो चिकन है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हमारा फ्लेम फास्ट ही होना चाहिए। इसे हमें 4 से 5 मिनट फुल फ्लेम में ही पकाना है, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुका है, अब देखिए हमारा ऑयल भी सरफेस पे यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे, फ्लेम को स्लो कर देते हैं, और इसमें हमने दूध और 20 बादाम लिए हैं, इसे ग्राइंड कर लिया है, दूध और बादाम को एक साथ ग्राइंड कर लिया। और इसमें हमने ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, ने जायफल और जावित्री का पाउडर लिए है, इसे भी हमें इसमें डाल देना है। देखिए हमने 3 प्याज लिए है बड़े, इसका बिरिश्ता बना के इसको हाथ से ही क्रश कर लिए है, अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। अभी देखिए इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अभी हम इसे 10 से 15 मिनट तक हम इसे स्लो फ्लेम में भूनने देते हैं। चलिए अब चेक करते हैं हमारा कोरमा तैयार है कि नहीं। देखिए हमारा कोरमा तैयार हो गया है, अब हम इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। अगर आप लोग को इसमें पानी भी डालना है तो आप 1/2 कप पानी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं है पानी की तो हम नहीं डाल रहे, ठीक है। चलिए हमारा कोरमा तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करके आपको बताते हैं। अगर आपको हमारी शाहजहाँ खुरमा की रेसिपी पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारी आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखिए कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।